नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। वैम्पायर्स का नाम जब भी हमारे जहन में आता है तब हमारे दिमाग में एक लंबे दांतों वाले शैतान की छवि बन जाती है, जो अपने शिकार की गर्दन पर अपने दांत गड़ाकर सारा खून चूस लेता है। मॉडर्न जमाने में इन्हीं वैम्पायर्स को ड्रैकुला कहा जाता है, जो शैतान ना हो करके आम इंसान जैसे दिखने वाले प्राणी होते हैं, जो दिन में आम इंसानों जैसा वर्ताव करते हैं पर रात में बदल जाते हैं। पुराने जमानों में वैम्पायर्स को एक आम इंसान ना मानकर शैतान जैसा बताया गया है। इतिहास से वैम्पायर का जिक्र कई सभ्यताओं में किया गया है, जैसे मेसोपोटामिया, हिब्रू, ग्रीक, रोमन आदि। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण में भी वैम्पायर्स का जिक्र किया गया है। किष्किंधा कांड में खून चूसने वाले वैम्पायर्स का जिक्र किया गया है। ये वहाँ रहते थे जहाँ अब उत्तरी अमेरिका स्थित है। वानर राज सुग्रीव किष्किंधा कांड में ये बताते हैं कि शालमली द्वीप, जिसे अब ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, में स्थित गरुड़ पर्वत पार करके प्रशांत महासागर के ऊपर से जाते हुए रास्ते में मंडेहा नामक राक्षसों की जमीन शुरू हो जाती है। इसी जमीन को दक्षिण अमेरिका के नाम से जाना जाता है। मंडेहा रामायण काल का एक तरह का सलेटी रंग का प्राणी था, जो दिखने में चमगादड़ जैसा था पर विशालकाय था। मंडेहा दिन के समय में उल्टे लटके रहते थे पर रात को इंसान और जानवरों का रक्त चूसते थे। शास्त्रों में ये बताया गया है कि मंडेहा जीव से रात में बचना असंभव था, परंतु दिन में गायत्री मंत्र का प्रयोग करके इनसे बचा जा सकता था। मंडेहा ही नहीं, हिंदू सनातन धर्म में कई तरह के वैम्पायर्स का जिक्र किया गया है, जैसे पेमा किलीर, पिशाच, वेताल आदि। पेमा किलीर एक ऐसा जीव था जो युद्ध में तड़प रहे और घायल योद्धाओं का रक्त चूसता था। पेमा किलीर को वैम्पायर्स का फीमेल वर्जन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी तरह पिशाच को भी एक तरह का वैम्पायर माना जाता है, जो खून पीने के साथ इंसानी मांस भी खाता है। इनकी आंखें लाल और काफी बड़ी होती हैं। पिशाच को सबसे शक्तिशाली वैम्पायर्स में गिना जाता है। इसके अलावा बेताल को भी रक्त चूसने वाला बताया गया है। हालांकि इनका कोई अपना शरीर नहीं होता और ये अपने शिकार के अंदर घुसकर अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देते हैं। इसके अलावा कई तरह के राक्षसों का व्यवहार भी वैम्पायर्स की तरह बताया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।